अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम टेंथ क्लास फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोस्कोप को स्टडी करेंगे लास्ट लेसन में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस की टाइप्स के बारे में पढ़ा था चार्जेस टू टाइप्स के हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर डेवलप करवाने के हमने दो तरीकों में से एक पड़ा था बाई फ्रिक्शन बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स विद वन एंड अदर अभी इस अरेंजमेंट में देखिए वी हैव अ कंडक्टर जो इस रॉड की सूरत में इस इंसुलेटेड मटेरियल इस बीकर के ऊपर पड़ा हुआ है इसलिए इस कंडक्टर का नाम हम इंसुलेटेड कंडक्टर रखते हैं अब दो ऐसे कंडक्टर्स दो ही इंसुलेटर्स के ऊपर माउंट किए गए हैं और करीब ही एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी के ऊपर आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है अब जरा आप देखिए जब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इन कंडक्टर्स के करीब लाई जाती है तो चूंकि दो कंडक्टर्स अगर टच हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस इस चार्ज बॉडी पर जो है वो कंडक्टर के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स electron, को रिपेल कर रहे हैं यू कैन सी के इस लेफ्ट साइड वाले कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इस राइट right साइड वाले कंडक्टर अब अगर इस चार्ज बॉडी की मूवमेंट लाकर यहां पर रोक दो अभी भी दोनों टच नहीं कर रहे हैं। इस वक्त कंडक्टर की एक साइड जो इस चार्ज बॉडी के करीब है ये पॉजिटिवली चार्ज होगी यानी इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरी साइड पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो नेगेटिव चार्ज एक हो जाता है तो इस चार्ज बॉडी के प्रेजेंस में अगर इस इंसुलेटेड कंडक्टर के एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएं तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं अब इन दोनों कंडक्टर्स को मैं अलग कर सकता हूँ किन मूव दिस कंडक्टर वे तो देखिए इसको मूव करने से राइट वाले कंडक्टर को जो लेफ़्ट वाला कंडक्टर है इसके ऊपर अभी मेजोरिटी पॉजिटिव चार्ज आ गए यानी इस कंडक्टर को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है विदाउट इवन टचिंग दिस चार्ज बॉडी विद दिस कंडक्टर अब इस चार्ज बॉडी को मैं विद्रॉ कर लेता हूँ अब देखिए अगर आप काउंट भी करें तो इस कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं नेगेटिव चार्जेस कम हैं तो पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होने का मतलब है ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है तो अब इसका मतलब है किसी कंडक्टर को आप चार्ज कर सकते हैं विदाउट टचिंग इट विद अ चार्ज बॉडी बाय द प्रोसेस विच वी कोल्ड्रोस इलेक्ट्रोसिटिक इंडक्शन अब इसी कंडक्टर को देखिए हम अगर नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो वी कैन ब्रिंक अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विद क्लोज टू इट अब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब ला रहा हूँ अब क्या हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की वजह से इन दोनों पर टच होना जरूरी नहीं है बिकॉज जो इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स है ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है कॉन् टच किए बगैर कॉन्टैक्ट के बगैर भी इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हुए अब इस एंड पे जो इस चार्ज बॉडी के करीब है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एक हो गया और दूसरे एंड पे इस एक्सट्रीम एंड पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एक हो गया अगेन जो दूसरी चार्ज बॉडी है इसको हम अलग कर सकते हैं इसको हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं और जब इन दोनों को सेपरेट करेंगे अब ये चार्ज बॉडी को विड्रॉ करते हैं अब इसका मतलब जो कंडक्टर है इस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज और कम पॉजिटिव चार्ज है यानी इस कंडक्टर को अब हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया तो इसका मतलब है किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर को हम पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं विदाउट टचिंग और रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स यानी फ्रिक्शन के बगैर भी चार्ज किया जा सकता है किसी कंडक्टर को सो दिस फिन इज कोल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सो अब इसको वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच इफ इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एक इंसुलेटेड कंडक्टर के एक एंड पे लाइक like और दूसरे एंड पे अनलाइक चार्जेस डेवलप हो जाएं दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सो यहाँ चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज है इस चार्ज बॉडी की प्रेजेंस पे इसके करीब एंड पे ऑपोजिट चार्ज डिवेलप हो जाए और इसकी फार एंड पे दूसर, दूसरी साइड पर ऑपोजिट सिमिलर uh, चार्ज डिवेलप हो जाए तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनमिन का मकसद क्या होता है कि किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर सके बगैर दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इन कांटेक्ट लाए बगैर कांटेक्ट के बगैर फ्रिक्शन के बगैर रबिंग के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर सके दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनमिन को यूज करते हुए हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं चार्ज की टाइप को भी डिटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए ये एक अरेंजमेंट या एक एफरेटस यूज किया जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इस गोल्ड इफ के ऊपर एक डिस्क है मेटल की यूजुअली ब्रास की बनी हुई डिस्क है इसके साथ नीचे एक रॉड है ये रॉड भी कंडक्टिंग मटेरियल का है जो चार्ज को कंडक्ट करवा सके और इसके एंड पे नीचे दो थिन मेटल के लीव्स होते हैं और वो मेटल के लीव्स एक दूसरे से अलग हो सकते हैं भी हो सकते हैं और इस डिस्क और रॉड को विद द लीव्स हम इस इंसुलेटर के अंदर माउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटेड कार्कअर अब इट्स इन इन नॉर्मल ऑपरेशन ये डिस्क न्यूट्रल है न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके सर्फिस पे उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं इसकी सर्फिस पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है कि जब एक चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर आएंगे तो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकता है अब देखिए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है इसको मैं डिस्क के करीब ला रहा हूँ जैसे ही मैं इसको डिस्क के करीब लाऊंगा तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्क की सरफेस के ऊपर हैं वो रिपेल होंगे वो रिपेल होकर रॉड के थ्रू नीचे लीव्स पर चले जाएंगे अब लीव्स पर दोनों लीव्स पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एक हो गया तो दोनों लीव्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस चार्ज बॉडी को करीब लाते ही ये लीव्स जैसे ही रिपेल होंगे तो वी कैन से ये जो हम बॉडी अंडर टेस्ट है जो लेकर आ रहे हैं करीब ये बॉडी असल में एक चार्ज बॉडी है लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट जो हम लेकर आ रहे हैं ये चार्ज ना होता तो डिस्क न्यूट्रल ही रहती कोई चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन्स नीचे ट्रांसफ़र ना होते और हम ये कहते थे कि जो बॉडी अंडर टेस्ट है ये चार्ज नहीं है अब अगर इसको रिमूव करें तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे लीव्स पर गए थे वो वापस डिस्क के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं इसके बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो बॉडी अंडर टेस्ट है अभी तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज चार्जेस मार्क्ड है लेकिन इफ वी डू नॉट नो हम फिर भी बता सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं जो बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज है ये पॉजिटिवली चार्ज है ऐसा करने के लिए पहले हमें डिस्क को न्यूट्रल से या तो पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा या नेगेटिवली चार्ज करना पड़ेगा तो अब देखिए अगर हम ये हाथ डिस्क की सरफेस पर टच करें सिर्फ हैंड एक कंडक्टिंग मटेरियल है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हाथ के थ्रू ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएंगे यानी अर्थिंग या ग्राउंडिंग का प्रोसेस कहलाता है तो अब ये चार्ज बॉडी लेकर आएंगे हम डिस्क के करीब तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाथ के थ्रू ग्राउंड हो जाएंगे हाथ को हम रिमूव करेंगे पहले हाथ को रिमूव कर देंगे और फिर उसके बाद चार्ज बॉडी को रिमूव कर देंगे तो इससे क्या होगा डिस्क के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया और कम नेगेटिव चार्ज तो डिस्क पॉजिटिवली चार्ज हो गई अब इस पॉजिटिवली चार्ज डिस्क के करीब आप एक बॉडी अंडर टेस्ट लेकर आ रहे हैं अब देखिए जब ये मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आऊँगा डिस्क के करीब और डिस्क पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है तो जो इलेक्ट्रॉन्स लीव्स के ऊपर हैं वो लीव्स पर ही रहेंगी और मज़ीद इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे अब जब इसको करीब लेकर जाएंगे मज़ीद इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे अब ये लीव्स कलेप्स कर गए यानी अपनी एक्सटेंडेड पोजिशन से वो कलेप्स कर देंगे तो अगर ये एक्सटेंडेड पोजिशन से कलेप्स कर देंगे तो हम क्या इंफ़र करेंगे क्या रिजल्ट लिखेंगे कि डिस्क के ऊपर जो भी चार्ज है जो बॉडी अंडर टेस्ट है उसका ऑपोजिट चार्ज है इसके ऊपर अब देखिए अगर बॉडी अंडर टेस्ट नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव हो अब एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इस डिस्क के करीब लेकर जाएंगे और डिस्क पहले से पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स लीव्स से भी डिस्क पर ट्रांसफर होंगे और आप नीचे देखिए लीव्स को लीव्स एक्सपैंड हो रहे हैं पहले से ज़्यादा फैल रहे हैं डाइवर्ज हो रहे हैं जब लीव्स डाइवर्ज हो जाएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से तो हम कहेंगे जो डिस्क के ऊपर चार्ज है यानी अभी फिलहाल पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी अंडर टेस्ट है उस पर भी वही चार्ज है वो भी पॉजिटिवली चार्ज ही है तो इस तरह हम ये भी बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है यूजिंग दिस इलेक्ट्रोस्कोप